सो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो यहाँ अपने सामने है RS 200 और इसमें लगाने वाले हैं डीकल्स, कहते हैं कुछ इस तरीके का, जो कि मैट ब्लैक में है। अब जो डीकल्स में ऐड करने वाले हैं वो है ये वाले। तो ये है इसका पूरा सेटअप, अलग पार्ट्स में कटिंग में जो है ये आ रखे हैं, और जो फिनिश होगा वो उसके बाद जो लुक आएगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। तो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आया हूं आपके लिए एक और वीडियो, एक और टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पल्सर RS 200, और इसमें आपको दिखाने वाला मॉडिफिकेशन वो है ग्राफिक की। तो पहले जो इसका स्टॉक कलर आता था जिस तरीके से ग्रे और व्हाइट जो भी कलर था, उसके बाद इन्होंने करवाया इस पर मैट ब्लैक, और अब उस पर करवा रहे हैं स्टिकरिंग ग्राफिक का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर आप लोगों के पास ही पल्सर है या किसके अलावा कोई और बाइक है जिस पर आप ग्राफिक का वर्क कराना चाहते हो, डीकल्स किट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो इजिली। लोकेशन वगैरह और एड्रेस शॉप का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आ सकते हो दिल्ली करोल बाग नाईवाला मार्केट में SKD पर अपनी शॉप पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना क्योंकि आपको भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता है। सो हेलो एवरीवन, आप दोस्तों यहाँ अपने सामने है RS 200 और इसमें लगाने वाले हैं डीकल्स, जो कि यहाँ पर अपने सामने, और इसका आप लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके का, जो कि मैट ब्लैक में है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका लुक है, ये पेंट है। और अब जो डीकल्स में ऐड करने वाले हैं वो है ये वाले, आप देख सकते हो, जो कि 3M वाले हैं, जो कि जेन्युइन है। इसको पलट कर दिखाओ तभी तो पता चलेगा लुक क्या है। तो ये है इसका पूरा सेटअप, इसके अलग अलग पार्ट्स में कटिंग में जो है ये आ रखे हैं, और जो फिनिश होगा वो उसके बाद जो लुक आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। देखिए करके जो है इसे करते हैं इंस्टॉल और आपको दिखाते हैं, और थोड़ा सा इस वीडियो को आपको फास्ट फोटो देखना पड़ेगा, बाकी फाइनल मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में। अभी आप कंडीशन देख सकते हो कुछ इस तरीके से है इसकी, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें। जैसे कि फ्रंट देख सकते हो आप, इसका वाइजर वगैरह लगा रखा है, मिरर लगा रखे हैं लाइट वाले, ये देख सकते हो आप, ये इसकी स्टॉक लुक है। तो करते हैं स्टार्ट और लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पे। जब तक आप देखो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who... So guys, final होने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, आप देख सकते हो आपकी RS 200 में। और ये जो ग्राफिक है ये देख सकते हो आप, जो कि वाइट और ब्लू और ब्लैक का इसमें कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली ब्लैक जो है वो पहले से थी, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, डिजाइनिंग है, कटिंग वगैरह नहीं है, ये प्रॉपर स्टिकर का वर्क किया गया जो कि फुल्ली वाटर प्रूफ है। ये देख सकते हो गाइस, और पहले क्या था, ये प्रॉपर मैट ब्लैक थी, और पहले जो था इसका उससे पहले भी कलर कुछ और था, जो कि वाइट और रेड था आई थिंक। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर उसके अंदर उन्होंने पेंट करवाया, और यहाँ पर इन्होंने डीकल्स किट इंस्टॉल करा दी, जो कि प्रॉपर इसकी फेयरिंग बाय फेयरिंग आप देख सकते हो साइड से लेके और यहाँ तक का टोटल इसमें जो है सेटअप लगाया गया, ओनली फॉर ग्राफिक और स्टिकरिंग का। बाकी सेम वर्क आप चाहो तो पेंट से भी करा सकते हो, लेकिन पेंट से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जो कि और उसमें क्या है, एक डिसएडवांटेज उसका ये है कि उसमें क्या है, कभी अगर आपको लगता है कि अपनी बाइक को दोबारा से स्टॉक बनाना है तो आप उसको ना फिर उतार नहीं सकते क्योंकि पेंट है। इसमें क्या है, आपको कभी भी इसको हटा सकते हो और दोबारा से अपनी बाइक को आप स्टॉक बना सकते हो। और ये देख सकते हो एक एक चीज़ आप, यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो आप, और टैंक का भी डिज़ाइनिंग देखो, यहाँ पर एक्रोपोविक का जो है आपको लोगो मिल जाता है, 200 आप देख सकते हो यहाँ पर है, पल्सर यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी जो है लुकिंग जो है काफ़ी ब्यूटीफुल आ रही है यहाँ से। बाकी डिज़ाइन चाहो आप कोई ले सकते हो, लेकिन ये ब्लू और व्हाइट कलर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ऐसा मिरर ऐड है जिसमें आपको ड्यूल साइड इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, ये देख सकते हो आप, इस तरफ भी इंडिकेटर और इस तरफ भी इंडिकेटर। और अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो टेल टैडी है, काफ़ी स्पोर्ट लुक दे रही है यहाँ से, और काफ़ी सिंपल सी है। बाकी काफ़ी चावल एडजस्टेबल वाली भी आती है तो वो भी आप लगवा सकते हो, ये हो गया। तो ज़्यादातर उसमें मॉडिफिकेशन है नहीं, सिंपल सा कर, लेकिन मेन जो था वो था इसका कॉन्सेप्ट डीकल्स का। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना गाइज। बाकी आप अगर चाहो तो किसी और कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, किसी और कलर पर ले सकते हो, कोई गूगल करके आप निकाल सकते हो, सेम टू सेम बन जाएगा इजिली, तो कोई टेंशन वाली बात है ही।